मार्केट में आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, कहां पर कमाई के मौके बनेंगी, ये जानेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए कहां पर नजर होनी चाहिए और कमाई के मौके कहां पर बनेंगे आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज थोड़ा अहम दिन है, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंडेक्स देखे और ट्रेजरी एंड यूएस के देखे, तो वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सामने चाइना के जो मैक्रो डेटा है वो इंडस्ट्रियल डेटा पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड है, तो क्रूड एंड मेटल्स के लिए थोड़े सपोर्ट रहेंगे। तो आज से थोड़ा क्यू वाला दिन है, तो इस हिसाब से आज ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिन होगा। मेरे हिसाब से दो वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। एक, गोल्ड अपने अहम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और लास्ट पूरे वीक में वो 66 के ऊपर जा नहीं पाया, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा बिकवाली का मौका बन रहा है। 65,800 के करीब गोल्ड के अप्रैल फ्यूचर को सेल करें, टॉप लॉस लगा 66,100 एंड टारगेट रहेगा 65,100 तक। साथ में आज चाइना के अच्छे डेटा के हिसाब से थोड़े मेटल्स में रिकवरी बन सकते हैं। कॉपर में लास्ट वीक अच्छी रिकवरी दिखी थी, तो जिंक एक का अभी भी थोड़ा लेग था क्योंकि चाइना के साथ एंड चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के साथ अच्छा रिलेशन है। मेरे हिसाब से वहां पे जिंक में आप बाय कर सकते हैं 221 के करीब, 218 के स्टॉप लॉस के साथ और 227 तक के टारगेट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया रवि। तो जिंक की मार्च सीरीज में खरीदारी की सलाह है, टारगेट होगा 227 का, स्टॉप लॉस 218 का जिंक को लेकर। और सोना का अप्रैल फ्यूचर्स बेचने की सलाह है, 65,800 पर, टारगेट होगा 65,100 का और स्टॉप लॉस होगा 66,100 रुपये का। ये गोल्ड पर और जिंक पर रवि की रणनीति। आगे बढ़े